जन के ऊपर नहीं है पर है राम से ही संबंधित। और ये कविता जो है दिवाली के उपलक्ष्य में मैंने गानी थी दिवाली पे, पर मैं दिवाली पे हो सकता है या नहा हूँ, तो क्योंकि हम इंडिया चले जाते हैं, उन दिनों में प्रोग्राम है फिर जाने का, इसलिए मैंने सोचा राम का दिवस है तो मुनि के ऊपर बोल देती। तो ये इसमें चांद जो है भगवान राम से शिकायत कर रहे हैं कि ये दिवाली का उत्सव अमावस्या के दिन ही क्यों आता है, क्योंकि अमावस्या के दिन चांद तो होता नहीं है। और चांद जो है वो रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने का उत्सव जो मनाया जाता है उसको चांद एंजॉय नहीं कर सकता, वो एंजॉय करना चाहती है राम चांद। उसी के ऊपर ये कविता है, जब चांद का धीरज छूट गया, जब चांद का धीरज छूट गया वह रघुनंदन से रूठ गया, बोला रात को अलौकिक हम ही ने करा है, स्वयं शिव ने हमें अपने सिर पे धरा है, तुमने भी तो उपयोग किया हमारा है, हमारी ही चांदनी में सिया को निहारा है, सिया को निहारा है चांदनी में, सीता के रूप को हम ही ने संभारा है, चांद के तुल्य उनका मुखड़ा निखारा है। सबकी चांद के ऊपर तुलना की जाती है मुखड़े की। जिस वक्त याद में सिया की तुम चुपके चुपके रोते थे वनवास के टाइम में, जिस वक्त याद में सिया की तुम चुपके चुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग में बस हम ही जागते होते थे। संजीवनी लाऊंगा लखन को बचाऊंगा, संजीवनी लाऊंगा लखन को बचाऊंगा, हनुमान ने तुम्हें कर तो दिया अश्वस्त, मगर अपनी चांदनी बिखराकर मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले से लगाया, देखिए उसकी शिकायत चांद की है, तुमने हनुमान को तो गले से लगाया मगर हमारा कहीं नाम भी ना आया। रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मन था, मैंने भी आकाश था पृथ्वी पर झांका, गगन के सितारों को करीने से टांका, सभी ने तुम्हारा विजयोत्सव मनाया, लंका को जीत के राम आए तो सभी ने तुम्हारा विजयोत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन सा सजाया, इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, बताओ मुझे फिर क्यों तुमने बुलाया, क्यों तुमने अपना विजयोत्सव अमावस्या की रात को मनाया, क्योंकि अमावस्या को रात को चंद्रमा तो होते नहीं। अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते आधे अधूरे ही सही, हम भी शामिल हो जाते। मुझे सताते हैं लोग, मुझे सताते हैं चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दिवाली अमावस में ही मनाते हैं। तो राम ये उसकी शिकायत पहले तो सुनते रहे, आखिर उनका भी दया आई कि क्या मैं इसका करूं। तो राम जी बोले क्यों व्यर्थ में घबराता है, राम को दया आ गई ना, आपको पता है राम दयालु हैं। तो राम ने कहा क्यों व्यर्थ में घबराता है, जो कुछ खोता है वही तो पाता है, जा तुझे अब लोग ना सताएंगे, आज से सब तेरा मान ही बढ़ाएंगे, जो मुझे राम कहते थे सब राम राम जपते हैं, जो मुझे राम कहते थे वही आज से राम ना कहकर रामचंद्र कहकर तुम।